मैं अपने आप को कहता हूँ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष ठीक है बट लाइफ के इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करते हुए क्या स्ट्रगल्स थे आपके सबसे बड़े क्या स्ट्रगल्स थे यार हम लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि ये स्ट्रगल वाला मामला हमारे लाइफ में नहीं है ये स्ट्रगल किया है 25 साल पहले जब इंडस्ट्री में आते वक्त बट इट्स अ स्वीट स्ट्रगल टू फाइंड अ गुड ट्यून टू फाइंड गुड लिरिक्स टू फाइंड द करेक्ट ग्रूव टू फाइंड द करेक्ट पियानो पैच टू फाइंड द करेक्ट गिटार रिफ यही है और इससे अगर आप इसको स्ट्रगल कहते हैं तो ये स्ट्रगल है और ब्यूटीफुल स्ट्रगल है बहुत ही खूब आपका आपका क्या स्ट्रगल रहता है इनके साथ कुछ होता है कभी लड़ाई वड़ाई होती है कि यार क्या कह रहा है मैं इससे जरा भी नहीं लड़ता उनसे नेवर ये तो काम का है हां होता ही नहीं ये तो हमेशा ये लड़े होते हैं शुरू में हां बिल्कुल सुबह सबसे अग्रेसिव कौन है आप तीनों में से अग्रेसिव अग्रेसिव की बात नहीं लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू की बात पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कौन अग्रेसिव है ये कभी भड़क जाते हैं उसका शॉर्ट फ्यूज है निकल जाते हैं सच में आप आई टेंड टू बी आई टेंड टू बी अ लिटिल नॉट हॉट टेंपर अ लिटिल लाइक सेंसिटिव आई वुड से दैट बट क्या होता है इट इज इट्स एन ऑब्जेक्टिव flare up if you want to call it that yeah that's how all the creative discussions are ha are kuch nahi hai aur agar aapko ऐसा लगता है कि जब वो भड़क जाता है तो हम पे असर बहुत ज़्यादा होता है तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मैं इस दीवार के दीवार को देख के चिल्लाऊंगा तो इस दीवार पे जो असर होगा ना वही असर हम पे होता है बस ठीक है वी डू नॉट गेट अफेक्टेड एट ऑल सो बेसिकली ऐसे ऐसे एंड इफ यू आस्क मी दैट अगर आप कभी 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 लड़ाई होती होगी ना नहीं होती है कभी कभी लड़ाई रोज होती है पूरा का पूरा बिकॉज़ व्हेन यू टेल समथिंग कि यार मेरे को ना कुछ ऐसा ऐसा बना के दे दे भाई जब ये पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा होता है तो उसमें बहुत टू एंड फ्रो होता है या फिर एट टाइम्स ऐसा होता है इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर कि यार सेट है महीने लग गए कभी कभी किस पे लगा था आपको आई रिमेंबर अ सॉन्ग लाइक वेयर इज द पार्टी टुनाइट सिंपल सॉन्ग इतना सिंपल सॉन्ग वो क्रैक करते करते हम लोग पागल हो गए थे कितना टाइम लगा था उसमें तीन चार महीने तो लगे तीन चार महीने क्योंकि हम जो पूरी जो फिल्म की साउंड ट्रैक कभी अलविदा ना कहना साउंड ट्रैक कंपोज करते टाइम ये आइटम सॉन्ग वी कैप्ट इट इन माइंड पर अभी क्या है कि ये जो आइडिया था वेज द पार्टी टुनाइट एक छोटी सी मतलब कि आइडिया आई थी जब ही व्हेन वी आर डूइंग द बिगिनिंग ऑफ द थिंग व्हिच करण जो डिडंट लाइक मगर तीन महीने के बाद सडनली द आइडिया केम अगेन वी प्लेयर अरे ये तो बहुत अच्छा है तो ये सब भी होता है क्योंकि मतलब कि इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग यू नो इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन जो गाना कभी अलविदा ना कहना में से यू माइट फील दैट अरे इसको तो मितवा वो गाना इट्स लाइक हिस्टोरिक सॉन्ग और आपको लगेगा कि अरे यार इसको 15 मिनट में कंपोज किया था जब आपकी लाइफ शुरू हुई थी म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रेन सिंगर हैं म्यूजिक समझते हैं सबसे बड़ा स्ट्रगल आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में क्या था आई वांटेड टू गेट इनटू म्यूजिक सो इन्होंने सब एडवाइस किया मुझे कि यार तू you should sing you should not like but nokia kar rahe the kya kar rahe ha I was working na to as an engineer to वैसे struggle hua nahi because this was anyway like a, you know main पूरी तरह घुस गया मैं बोला यार देखते हैं क्या होता है यार एट द मैक्स क्या होगा आई विल फॉल बैक एज एन इंजीनियर और मैं यूएस जाऊंगा तो मेरा फॉल बैक ऑप्शन भी काफी स्ट्रांग था सही था तो आई वाज लकी लेकिन सिर्फ लक नहीं होता है आई मीन वंस आवाज पहचानी जाती है पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द वॉइस एंड देन काम मिलते गए सो आई नेवर हैड टू स्ट्रगल एज सच यू नो यू गाइस आर हार्डकोर म्यूजिशियंस यू अंडरस्टैंड म्यूजिक व्हेन यू सी म्यूजिशियंस चाहे वो सक्सेसफुल हो या यंगस्टर्स हो जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर रहे हैं टू सिंग टू क्रिएट म्यूजिक हाउ डू यू गाइस रिएक्ट कभी ऐसा लगता है क्या हो रहा है यार मतलब ब्रो नॉट डन यार Well, actually, the thing is that today, I mean, in the international whole scene, I mean, things are valid. I won't say that Tamil not valid. Whether I like it or don't like it doesn't really matter. But today, business has become a very big business, the music business. You know, it's gone beyond even creativity. But I mean, what do you have to say about the art? Well, like say, I mean, like say, you know, artists and repertoire managers, A&R managers don't exist anymore. So what does that tell you about the art? Where is the art? The head of a record company used to head some multinational company that manufactured detergent. Right. You know what I mean? It's become hard sell marketing. It's become hard sell selling, hard sell numbers. They want like, you know, music is judged by flow charts and stuff like that. So you know what I mean? And it's also available. There's so much of it available now. Mm. So it's a very different time. It's a very, very different time. 92.5